हेलो एवरीवन, दिस इज आदित्य एंड यू आर वाचिंग फिट एंड स्ट्रांग। तो मैं आज आपको टॉप 5 फैट लॉस टिप्स बताने वाला हूँ, जो अगर आप इनको फॉलो करते हो तो आपका फैट लॉस गारंटी दे रहा हूँ मैं, आपका फैट लॉस होना ही होना है। तो कीप ऑन वॉचिंग, वी विल बी राइट बैक। ऑलराइट गाइस, जो हमारा फर्स्ट और सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, कैलोरिक डेफिसिट। कैलोरिक डेफिसिट का मतलब होता है कि जितनी आपकी मेंटेनेंस कैलोरीज है उससे आपको कम कंज्यूम करनी है। इसका मतलब है, जैसे कि मैं एग्जांपल बताता हूँ, एक कोई है मिस्टर एक्स, उसने अपनी कैलोरी मेंटेनेंस देखी, उसकी कैलोरी मेंटेनेंस आई 2000 कैलोरीज पर डे। तो अगर उसको फैट लॉस करना है, अगर उसको वेट लॉस करना है, तो अब उसको नेक्स्ट डे से 2000 कैलोरीज से कम कंज्यूम करनी पड़ेगी। इसका मतलब कुछ 1800 या 1850 कैलोरीज कंज्यूम करनी पड़ेगी तो ही उसका फैट लॉस होएगा। सो आपको भी यही करना पड़ेगा। सबसे पहले आपको अपनी कैलोरिक मेंटेनेंस कैलकुलेट करनी पड़ेगी। तो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक दे दूंगा, आप वहाँ पर अपनी सारी हाइट, वेट, एज डाल के आप अपनी कैलोरी मेंटेनेंस कैलकुलेट कर लेना, और फिर नेक्स्ट डे से आप उससे कैलोरीज कम कंज्यूम करना स्टार्ट कर देना। तो हमारा नेक्स्ट और सेकंड पॉइंट है, अवॉइड ड्रास्टिक रिडक्शन इन कैलोरीज। इसका मतलब होता है कि मैंने फर्स्ट पॉइंट तो आपको बता दिया कि आपको कैलोरी डेफिसिट, आपको कैलोरी कम खानी है, कम कंज्यूम करनी है। लेकिन अब लोग क्या गलती कर देते हैं कि जैसे अगर उनकी मेंटेनेंस 2000 कैलोरीज है तो अगले ही दिन से 1500 कैलोरीज या 1400 कैलोरीज खाना स्टार्ट कर देते हैं, और ऐसा सोचते हैं कि उनका वो जितनी कम कैलोरीज करेंगे उतना जल्दी उनका फैट लॉस हो जाएगा। और इससे होता यही है कि हमारी बॉडी को आदत नहीं होती इतनी कम कैलोरीज की, तो लोग क्या करते हैं, जल्दी गिव अप कर देते हैं, और फिर वो कहते हैं कि हमने तो डाइट करी थी लेकिन हमारा फैट लॉस नहीं हुआ। तो मैं ये सजेस्ट करूँगा कि आप हर वीक 100 या 150 कैलोरीज अगर रिड्यूस करते हो तो वो बहुत इनफ है। आप इतना ही रिड्यूस करें और आप अच्छा आप फैट लॉस रिड्यूस कर सकते हैं। सो हमारा नेक्स्ट पॉइंट और थर्ड पॉइंट है नेगेटिव कैलोरीज। नेगेटिव कैलोरीज का मतलब होता है कि हमारे कुछ कुछ नेगेटिव कैलोरीज फूड होते हैं। इसका मतलब क्या होता है कि उन फूड में इतनी कैलोरीज नहीं होती कि उन फूड्स को हमारी बॉडी डाइजेस्ट करने में उससे ज़्यादा कैलोरीज बर्न कर देती है। जैसे कि एग्जाम्पल एप्पल, वाटरमेलन, कुकुम्बर, ऑरेंजेस, लेटस। इसका मतलब ये इनमें बहुत कम कैलोरीज होती है और हमारी बॉडी इन फूड्स को डाइजेस्ट करने में ज़्यादा कैलोरीज बर्न कर देती है। तो मैं ज़रूर सजेस्ट करूँगा आप वाटरमेलन, एप्पल्स, ऑरेंजेस जैसे फूड ज़रूर इंक्लूड करें अपनी डाइट में। सो हमारा नेक्स्ट और फोर्थ पॉइंट है, ड्रिंक 1 glass ऑफ वाटर बिफोर ईच मील। इसका मतलब है कि आप कोई सा भी मील खा रहे हो तो उससे 30 या 40 मिनट्स पहले 1 glass पानी पी लेना चाहिए, जिससे ये होता है कि हमारी बॉडी को और हमारे माइंड को ऐसा लगता है कि अभी हमने कुछ खा लिया है तो हमारा पेट अभी भरा हुआ है। तो इससे जो आप आगे खाना खाने वाले होगे तो आप उससे नॉर्मली उससे आप कम खाना खाओगे और ऑटोमेटिकली आपका वो फैट लॉस में हेल्प करेगा। सो हमारा आज का लास्ट और फिफ्थ पॉइंट है, ड्रिंक ग्रीन टी। ग्रीन टी हमें वेट लॉस में और फैट लॉस में बहुत ज़्यादा हेल्प करती है। ग्रीन टी हमारा मेटाबॉलिक रेट इंक्रीज़ करने में हेल्प करती है, और जितना हमारा ज़्यादा मेटाबॉलिक रेट होएगा उतना ही ज़्यादा हम जिम में ज़्यादा फैट लॉस करेंगे। तो मैं आपको सजेस्ट करता हूँ दिन में एक बार, वो आपके ऊपर, आप मॉर्निंग इवनिंग कभी भी दिन में एक बार ग्रीन टी ज़रूर पिए। आई होप यू एंजॉयड दिस वीडियो। प्लीज़ लाइक द वीडियो, कमेंट डाउन बिलो एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। कीप सपोर्टिंग आवर चैनल एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। नाउ आई विल कैच यू ऑन नेक्स्ट वीडियो।